गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पावर सीरीज का लेक्चर थर्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। बेटा, लास्ट टू लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना, वहां पर आपको सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही पूछ देती है। अब यहाँ पर एक एडिशनल चीज है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सीरीज n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2^n x^n। इसको कंपेयर किया हमने n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी an x^n, तो an की वैल्यू हमारे पास 2^n है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास r इक्वल्स टू 1/r होता है। तो r हमारा आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an / 1/n इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2^n 1/n इक्वल्स टू 2। देयरफॉर r इक्वल्स टू 1/2। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका आ गया r इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर देखो, ये x की -0^n है ना, तो आपका सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 0। क्लियर? 0 से आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स 1/2 -1/2। तो आपका x लेस देन 1/2 एंड -1/2। क्लियर? ये तो आपका आ गया इस इंटरवल के अंदर अंदर x की हर एक वैल्यू के लिए आपकी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। लेकिन x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू -1/2 एंड x इक्वल्स टू 1/2 पर ये सीरीज का बिहेवियर क्या होगा, कन्वर्ज करेगी के डाइवर्ज करेगी। जब हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है ना बेटा, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स ये इंटरवल फाइंड कर लिया, तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी हमने चेक करना है। क्लियर? नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 1/2 होगा, देन ये सीरीज हमारी x n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2^n, x की वैल्यू 1/2 पुट करो 2^n, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1। क्लियर? ये सीरीज 1 है, तो ये क्या होगा, 1+1+1+1+1+1+ सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये तो दिख ही रहा है ना कि ये तो डाइवर्ज ही करेगी। ठीक है, डाइवर्जेंट होगा फॉर x इक्वल्स टू 1/2 पर। क्लियर? व्हेन x इक्वल्स टू -1/2, देन हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2^n, x की वैल्यू पुट करो -1/2, तो ये हो गया -1/2^n, ये कैंसिल आउट, इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी -1। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा -1 x^-1^n, ये वोल्ट इज टू पावर n, -1^n, ये -1^n, तो ये क्या आ जाएगा, -1, n की वैल्यू ऑड होगी तो -1, n की वैल्यू इवन होगी +1 -1 +1 -1। मीन्स क्या, ये वैल्यू आएगी आपके पास, एक बार प्लस ये -1 दी थी, प्लस एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, तो ये क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है, ओसिलेट फाइनाइटली। जो ओसिलेट करती है सीरीज वो कभी भी नेवर कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1/2 के लिए भी कन्वर्ज नहीं कर रही, मीन्स डाइवर्ज कर रही है, x इक्वल्स टू -1/2 के लिए भी कन्वर्ज नहीं कर रही, ओसिलेट फाइनाइट कर रही है। तो हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, -1 x (1/2), ये आपका हम हो गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दिस वन, x-2^(n)/4n। सेकंड क्वेश्चन, सीरीज x-2^(4n)/4n
n इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर। इसको हमने कंपेयर किया, एक्सप्रेशन ए एन एक्स रेज टू पावर n होना चाहिए, तो यहाँ पर x माइनस टू है, तो पुट कर लेते हैं x माइनस टू इक्वल्स टू t, तो हमारी सीरीज बन जाएगी n इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी वन अपॉन फोर रेज टू पावर n t की पावर x माइनस टू की पावर फोर को पुट करते x माइनस टू की पावर फोर इक्वल्स टू t, तो ये t की पावर n, तो ये इक्वल्स टू हो गया सफिशियंट एन इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी ए एन टी रेज टू पावर एन। नाउ ए एन क्या है हमारे पास वन प्लस फोर रेज टू पावर एन, तो आर हमारा क्या आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन फोर रेज टू पावर एन, एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, ए एन पावर एन इक्वल्स टू लिमिट n approaches to infinity 1 upon 4 raised to power n whole raised to power n, तो ये n के साथ ये n cancel 1 by 4 आ जाएगा, तो radius of convergence क्या होता है 1 by small r 1 upon 1 by 4 equals to 4, radius of convergence आपका आएगा t, ये t के लिए हम कर रहे थे minus 4 less than t less than 4, radius of convergence आपका दिया गया। now हमने क्या करना है t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 4 के लिए क्या होगा, t इक्वल्स टू माइनस 4 के लिए होगा क्या होगा, t इक्वल्स टू 4, जब t इक्वल्स टू 4 होगा देन हमारी सीरीज दिस सीरीज ये क्या बन जाएगी, समीशन n इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी वन अपॉन फोर रेज टू पावर n, t की पावर फोर पुट की तो फोर रेज टू पावर n कैंसल आउट, ये बन गया सीरीज n इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी वन, तो ये फिर डाइवर्ज करेगी डाइवर्जेंट। क्लियर। सिमिलरली t इक्वल्स टू माइनस फोर के लिए समीशन n इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी वन अपॉन फोर रेज टू पावर n, t की वैल्यू पुट करो माइनस फोर रेज टू पावर n, तो ये आ जाएगा स्पीशन n इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी फोर के साथ वो कैंसिल माइनस वन रेज टू पावर n, मीन्स ये आपकी आएगी वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। क्लियर। ये तो ऑसिलेट फाइनाइट है, ऑसिलेट फाइनाइट है मीन्स क्या होगा हमारे पास माइनस फोर एंड प्लस फोर के लिए दोनों के लिए सीरीज कन्वर्ज नहीं करी, तो हमारा इंटरवल क्या आ गया दिस वन, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देयरफॉर माइनस फोर लेस देन टी लेस देन टू। नाउ टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी की वैल्यू थी एक्स माइनस टू रेज टू पावर फोर, माइनस फोर लेस देन एक्स माइनस टू रेज टू पावर फोर लेस देन फोर। क्लियर। नाउ पावर फोर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, माइनस फोर की पावर वन बाय फोर लेस देन एक्स माइनस टू लेस देन फोर की पावर वन बाय। क्लियर। नाउ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस टू सभी जगह पर, तो माइनस फोर की पावर वन बाय फोर प्लस टू लेस देन x लेस देन फोर की पावर वन बाय फोर प्लस टू। क्लियर। तो ये आपके पास आ जाएगा फोर की पावर वन बाय फोर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू माइनस टू अंडरूट ऑफ टू और लेस देन एक्स लेस देन टू प्लस टू अंडरूट ऑफ टू। क्लियर। देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका क्या आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास क्या आएगा, अंडर ऑफ टू, कितना दिस वन अंडर ऑफ टू। क्लियर। आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां पर भी डायरेक्ट यहां से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहां से माइनस फोर लेस देन एक्स माइनस टू, मीन्स यही था। ठीक है, ये जो हमें निकाल चुके हैं ऑलरेडी यही।
यहीं से आपको मिल गया था माइनस अंडर रूट टू लेस देन एक्स माइनस टू, तो ये सेंटर क्या है आपका टू है, ठीक है, लेस देन अंडर रूट टू, तो ये सब कन्वर्जेंस आपका आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू। क्लियर, ये आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस टू माइनस अंडर रूट ऑफ टू, टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू, ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास x रेज टू पावर n माइनस टू अपॉन n log n। थर्ड क्वेश्चन है समेशन n इक्वल्स टू 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 इंफिनिटी x रेज टू पावर n माइनस टू अपॉन n log n। क्लियर, तो ये कंपेयर किया हमारा ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन अपॉन एन लॉग एन। क्लियर, ए एन प्लस वन क्या आएगा हमारे पास वन अपॉन एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इक्वल्स टू वन बाय आर लिखा है, आर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन अपॉन एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन इंटू एन लॉग एन। क्लियर, तो ये बनेगा आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन लॉग एन अपॉन एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन। क्लियर, नाउ ये जो एन है ये हम नीचे ले आते हैं इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लॉग एन अपॉन वन प्लस वन बाय एन log n plus 1 equals to limit n approaches to infinity 1 upon 1 plus 1 by n into limit n approaches to infinity log n upon log n plus 1। clear, यहाँ पर put किया limit put की तो 1 upon 1 plus 0 हो जाएगा और यहाँ पर put की तो क्या होगा log infinity by infinity, ये तो infinity by infinity form बन रहा है this limit। तो इसको हम solve करने के लिए क्या करेंगे लॉपिटा रूल लगाएंगे। नाउ इसकी लिमिट लिमिट n approaches to infinity log n upon log n plus 1 क्या होगा मैं लॉपिटा रूल log n का डेरिवेटिव 1 by n log n plus 1 का डेरिवेटिव 1 upon n plus 1 लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी बाय लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन प्लस वन बाय एन इक्वल्स टू वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन। Therefore, R equals to 1 by R equals to 1 by 1 equals to 1. Therefore, radius of convergence, radius of convergence, क्या होगा हमारे पास equals to 1. और means जो हमारा interval बढ़ेगा minus 1 less than x less than 1. हमने minus 1 और 1 पर भी check करना है. When x equals to 1 then हमारी सीरीज क्या बन जाएगी n equals to 0 to infinity हमारी सीरीज थी this one x की वैल्यू 1 है तो 1 upon n log n बन जाएगा 1 upon n log n। clear, ये बन जाएगा। now हमारे पास रिजल्ट होता है
is series n equals to 2 to infinity 1 upon n log n raised to power p. p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ p लेस देन इक्वल्स टू 1. अब यहां पर log n की पावर क्या है 1, मींस p की वैल्यू क्या है 1, तो ये तो डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेस ये डाइवर्ज करेगा. क्लियर? नाउ व्हेन x equals to minus 1 होगा तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, n equals to 0 to infinity सीरीज हमारी थी this one. x की वैल्यू हम minus 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा minus 1 raised to power n minus 2 upon n log n. clear? now ये minus 1 है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू चेंज करेंगे, एक टर्म प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, एक टर्म प्लस की, एक माइनस की आएगी. मीन्स ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज. क्लियर? अल्टरनेटिंग सीरीज को की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लीबनिट्ज़ टेस्ट. लीबनिट्ज़ टेस्ट, लीबनिट्ज़ टेस्ट क्या बताता है कि सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 ए एन. क्लियर? ये कन्वर्ज करेगा कब, इफ ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है. पहली कंडीशन कि ए एन पॉजिटिव टर्म्स हो, दूसरी कंडीशन के लिमिट लेने पर लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन इक्वल्स टू 0 आए, तीसरी कंडीशन कि ए एन प्लस 1 मीन्स ये क्या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो. क्लियर? डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है. क्लियर? नाउ इस यहाँ पर हमारे पास ए एन क्या है, 1 अपॉन एन लॉग एन. क्लियर? नाउ एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो लॉग एन पॉजिटिव आएगा, एन पॉजिटिव है मीन्स ये टर्म पॉजिटिव है. फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड. सेकेंड, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, ये भी टर्म सेटिस्फाइड. नाउ कम टू द थर्ड, हमें थर्ड पर चेक करना है, ए एन प्लस 1 माइनस ऑफ ए एन, ये हमारा लेस देन 0 होना चाहिए. नाउ ए एन प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पर एन की जगह पर एन प्लस 1 पुट करके, तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 लॉग एन प्लस 1 माइनस ऑफ ए एन इज एन लॉग एन. क्लियर? तो एलसीएम लिया हमने, आ गया एन इंटू एन प्लस 1 log n, log n plus 1, n log n, minus of n plus 1, log n plus 1. क्लियर? अब ये क्या आना चाहिए हमारे पास, लेस देन 0 आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए मीन्स इस टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए. क्लियर? क्योंकि ये माइनस साइन है. अब ये बड़ी है कि देखो n से बड़ा n प्लस 1 है, log n से बड़ा क्या होगा, log n प्लस 1 होगा, क्योंकि log क्या होता है हमारे पास, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. क्लियर? तो ये log n से बड़ा log n प्लस 1 है, तो नीचे वाले सारे टर्म तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि n क्या नेचुरल नंबर है, log n, नेचुरल नंबर का log क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है? तो n की वैल्यू वैसे भी इन्होंने 2 से बड़ी दी थी, n की वैल्यू 2 से बड़ी है, यहाँ पर निकाला हुआ है ना, तो n की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ये आपका क्या पॉजिटिव टर्म आएगी, ये लेस देन 0 हो जाएगा. मीन्स ए एन प्लस 1 माइनस ऑफ ए एन लेस देन 0 हो जाएगा, मीन्स डिक्रीजिंग सीरीज. देयरफॉर बाय लीबनिट्ज़ टेस्ट टेस्ट हमारी सीरीज माइनस 1 रेज टू पावर क्या था, n माइनस ऑफ 2 n माइनस 2 अपॉन n log n कन्वर्जेस, कन्वर्जेस. देयरफॉर इंटरवल, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया हमारे पास, देखो पहले हमारे पास आया था दिस वन, माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1. क्लियर? माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1, उसके बाद हमारे पास जो x equals to 1 के लिए तो डाइवर्ज कर रहा है, x equals to minus 1 के लिए कन्वर्ज आ गया, तो x equals to minus 1 के लिए कन्वर्ज आ गया, तो हम यहाँ पर equals to का साइन डाल देंगे, तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, माइनस 1 पर क्लोज्ड इंटरवल एंड 1 पर
ऊपर ले जाएगा। क्लियर? तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए इस लेक्चर में, ये 3 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? थैंक यू।